पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने आगामी उप विधानसभा चुनाव एवं नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु समस्त थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। पूरा पुरस्कार के 15 में आगामी विधानसभा उपचुनाव एवं नगर निकाय के चुनाव के दृष्टिगत लगातार इल्लीगल एक्टिविटीज के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के तहत मादक पदार्थों में जो डील करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त अभियान चल रहा है। उसी में मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनुमानित कीमत 1 करोड़ के ट्रक एवं गांजा, 3 क्विंटल गांजा करीब ये बरामद हुआ है और साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरीके से एक गैंग को बस्ट किया गया है जो कि इंटरस्टेट गैंग है। इसमें रहने वाले आलिम और अंसार, ये मेवात हरियाणा का है और साथ ही साथ एक लोकल जयशंकर प्रताप जो कि प्रयागराज का रहने वाला है उसको भी पकड़ा गया है। 3.19 क्विंटल गांजा और 1 ट्रक हरियाणा नंबर का वो पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बताया है कि उड़ीसा से ये लोग गांजा लाके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, बनारस, मिर्जापुर इत्यादि जनपदों में इनके जो डीलर हैं उनको सप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर छोटे छोटे अमाउंट में आगे बढ़ाते हैं। लोकल डीलर के रूप में जयशंकर प्रताप को भी पकड़ा गया है और भी हमारी टीम इस पर फर्दर काम कर रही है। सराहनीय कार्य करने वाली थाना कछवा SOG स्वाट टीम को 15,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और ऐसे अपराधियों पर जो कि NDPS मादक पदार्थों में डील कर रहे हैं इन सभी को पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा, प्लस इनके सभी साथियों को पकड़ के इन पर गैंगस्टर भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। थैंक यू।